नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैपिटल टीवी बिहार। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। नालंदा में इंटर के परीक्षार्थियों ने राहगीरों के साथ मारपीट की है, इसका वीडियो सामने आया है। छात्र रास्ते में जा रहे बाइक सवार लोगों को पीटते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंटर का एग्जाम नहीं दे पाने के कारण इन परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचे थे, जिसके कारण उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। परीक्षार्थी छूट जाने से नाराज छात्रों ने राहगीरों पर अपना गुस्सा निकाला। यह वीडियो 1 फरवरी का बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। पूर्व सूचना के अनुसार बिहार शरीफ के KACT कॉलेज में लेट से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया था। इसके बाद परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। छात्र इतने उग्र हो गए कि मारपीट और पथराव करने लगे। हंगामे से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट और पथराव की जानकारी मिलते ही सदर DSP नूरसराय सोहस राय थाना समेत अन्य थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत करवाया। परीक्षार्थियों ने कॉलेज के गेट के पास जमकर बवाल काटा और आने जाने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा। वहां से गुजर रहे एक वकील ने जैसे ही अपनी बाइक भीड़ की तरफ बढ़ाई, छात्रों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। बता दें कि 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हो रहा है। पिचाई का ये वीडियो वेब सीरीज खाकी द बिहार फाइल्स के फेमस गाने आइए ना हमरे बिहार में गाने के साथ शेयर हो रहा है। पिचाई के वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही वकील की बाइक भीड़ की तरफ बढ़ी, कुछ छात्र अचानक से उन पर टूट पड़े, बेल्ट हेलमेट और लात घूसों से उनकी पिटाई कर दी। इससे वे लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गए और किसी तरह से वहां से भागकर खुद को बचाया। इसके बाद मौके पर सदर DSP डॉक्टर शिवली नोमानी पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर नूरसराय थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी ने आवेदन नहीं दिया है। वायरल हो रहा वीडियो 1 फरवरी का है। परीक्षा से वंचित कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई थी। तुरंत ही मामले को शांत करा लिया गया। परीक्षा के निर्धारित समय से 10 मिनट लेट पहुंचने पर जब जन परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश नहीं मिला तो हंगामा करने लगे। उसके बाद सभी परीक्षार्थी घर वापस आ गए। पुलिस को देख कुछ परीक्षार्थी पहले ही पथराव और मारपीट कर फरार हो गए। सदर DSP शिल्बी नोमानी पूरे मामले पर नजर बना रखे हैं। इस पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को भेजा गया है। भारी संख्या में बल को वहां तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है। बता दें कि पहले ही बोर्ड की ओर से छात्रों को समय की सभी जानकारी दे दी गई थी, सारे रूल्स बता दिए गए थे। इसके बाद भी छात्र देर से पहुंचे हैं, यह तो वही बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। खैर अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल TV बिहार के साथ। नमस्कार।